अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तो जी व्यूवर्स, आज है 9 रबीउल अव्वल का दिन, खुशी का दिन है मोमिनीन के लिए। मेरी तरफ़ से तमाम मोमिनीन को बहुत बहुत ईद मुबारक, जिसे ईद ज़हरा भी कहा जाता है और ईद शुजा भी कहते हैं। मैं बहुत ज़्यादा तो नॉलेज नहीं रखती, लेकिन जितना मुझे मालूम है आज के दिन की फजीलत के लिहाज से, वो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। 9 रबीउल अव्वल का दिन मोमिनीन के लिए सबसे मुबारक दिनों में से एक दिन है। ये वो दिन है जब शान हैदर करार ईद मनाते हैं और यकम मुहर्रम से शुरू होने वाला मातमी सिलसिला इख्तिताम होता है। इसको ईद ज़हरा भी कहा जाता है और ईद शुजा भी कहते हैं। ईद ज़हरा की पहली फजीलत जो है वो है जनाब रसूल खुदा और जनाब बीबी खतीजा के अक्त मुबारक के हवाले से है। ये तारीख साज और मुबारक निकाह जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने पढ़ा था। इसी निकाह से जनाब बीबी पाक फातमतुज़्ज़हरा का ज़हूर मुबारक हुआ, जो आले मोहम्मद की वालदा हैं। रिवायत के मुताबिक जनाब सैयदा बीबी पाक फातमतुज़्ज़हरा इस दिन में इस शादी की याद की खुशी में मनाती थीं, और इस दिन को ईद ज़हरा कहने की पहली वजह इसकी यही तारीख की अहमियत है। 9 रबीउल अव्वल के दिन ही मुहिब अहले बैत अमीर मुख्तार ने कातिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उमर बिन साद मलून व मरदूद को कत्ल करके इंतकाम शहदाए करबला लिया। रिवायत के मुताबिक जब इब्ने ज़ियाद, उमर साद और शिमर वगैरह के सरों को इमाम मौला ज़ैनुल आबदीन की खिदमत में भेजा गया, इन दिनों में मौला इमाम सज्जाद मक्का मौज़मा में मुकीम थे। हज़रत की खिदमत में इन मलूनों के सर पहुँचे और आपकी निगाह इन सरों पर पड़ी और फौरन सजदा शुक्र अदा किया। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई और बारगाह खुदा में आपने अर्ज़ की कि ऐ पालने वाले, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने हमारे दुश्मनों से इंतकाम लिया है। फिर सजदे से सर उठाकर आपने फरमाया, खुदाया मुख्तार को जजाए खैर दे। और फिर आपने मस्तूरात बीवियों से फरमाया कि अब लिबास मातम तब्दील करो, आँखों में सुरमा लगाओ, बालों में कंघी करो। चुनाचा आपके हुक्म के मुताबिक अहले बैत ने अमल किया। इस अमल की निस्बत से भी ईद ज़हरा और ईद शुजा कहा जाता है। तो व्यूवर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप चाहते हैं कि मज़ीद लोगों को इस दिन की फजीलत के लिहाज से उनको आगाही मिले, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है। सिवाय गमे हुसैन के और कोई गम ना हो आपको, आपकी जो भी मुश्किलें हैं वो आसान हो, या अली मदद दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।